जीते, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। छह है पक्का, अब अंदर शोर यार। हां कम ऑन भाईजी, नाते पंड्या 31 बॉल में 59 रन बनाकर खेल रहे हैं ना। पूरा करेंगे, छह है पक्का, अब अंदर शोर यार। हां कम ऑन भाईजी, नाते पंड्या 31 बॉल में 59 जीते आप, हमारी दुआएं आपके साथ है। ऐसा माहौल बन रहा है, प्रेशर है और हम 1.7 बिलियन है हम दोनों मिला के, और अब तो हमने हिंदुस्तानी को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया इंग्लैंड का, तो उनको कहते हैं कि इंग्लैंड को बोले वॉक ओवर दे दे हमारे को। प्रेशर तो बना सकते हैं यार, ये ना करो यार, मतलब ये तो अच्छी मजा नहीं आएगा। कब आ रहे भैया, कब लाइव करोगे भैया जी? आ गए हम, इंतजार खत्म हुआ। यार देखो भाई, ऐसा होता है जो जो लोग जल्दी लाइव आए हैं वो कहीं ना कहीं परेशान थे, थोड़ा उनको डाउट था। एबी क्रिक इन्फो एकदम से क्लियर है, कंफर्म है कि क्या होगा। बस मैं तो ये पूछने आया हूं पाकिस्तानियों से कि भैया दवाई बूटी ले ली, खरीद के रख लो। मैं तो कहता हूं खरीदो मत, खा लो पहले ही, ठीक है? इंतजाम अपन कि इंग्लैंड हमसे घटिया खेले। क्या इंग्लैंड हमसे घटिया खेलेगा? हार्दिक पांड्या को निकाल दो, हमारे पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं है हमारे पास। पिछले इतने टाइम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लो, जगह जगह बयान देख लो, रोहित शर्मा जब से कप्तान बना है, मैं इंटेंट बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं फला बदल दूंगा। ओ भाई तूने कुछ नहीं बदला। इंग्लैंड 10 विकेटों की जीत दर्ज करके गई है, वर्स्ट परफॉर्मेंस, और जिसे कहते हैं कि भाई इंग्लैंड ने रगड़ के रख दिया आपको। हम उम्मीद कर रहे थे 1 विकेट 2 विकेट कुछ होगा, क्या होगा, मैच खत्म कर दिया। और उधर के दो ओपनर्स, सबसे बड़ा फर्क इस मैच का जो हम बार बार कह रहे थे, कल का सेमीफाइनल आप देख लो, रिजवान बाबर सेंचुरी पार्टनरशिप, ये तो आउट नहीं हुए दोनों। और एलेक्स हेल्स, एक ऐसा बंदा जो आया मैच विनर था, बाहर हो गया, उसके बाद आया, साबित किया है, और आज इतनी बड़ी गेम में इतनी इंपॉर्टेंट नॉक खेल गया है। जॉस बटलर भी कप्तान है, जॉस बटलर भी ओपनर है, उसके ऊपर भी प्रेशर था, और उसकी सेलिब्रेशन बताती है कि भाई आप लोग जो पहले से माहौल बनाकर सेट हो चुके थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया ने फाइनल खेलना है, इंग्लैंड तो यहाँ पर वॉक इन द पार्क के लिए है कि आप आओ और उनको हराओ और फाइनल की बात करो, मेलबर्न में सुपर संडे होगा। उन दोनों ने बटलर की स्मार्टनेस देखो और एलेक्स हेल्स की जिस तरीके की इनिंग्स लगी है, कोई मौका नहीं दिया। और आई थिंक इंडियन टीम की इससे ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी। दूसरी बात यह भी है कि क्या आप इसके बाद आप देखेंगे अलग अलग फैसले, जो हम बात करते थे थ्रू आउट, आप लोग गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे कि शायद ये ग्रुप आपको एक इसके बाद एक साथ ना दिखे, बट आज जो परफॉर्मेंस हुई आई थिंक। यार आप लोगों को लगता है मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंडिया के हारने पे खुश होऊंगा? यार ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ यार। यार मतलब हमने आपको 150-240 से हराया था, उसकी कोई लाज ही रख लेते यार, एक अपील करने का चांस ही ले लेते यार, लेकिन नहीं,